त्योहारों के नजदीक आते देख दुकानदारों की फुटपाथ पर सज गई दुकानें। शहर के मुख्य रास्तों से फुटपाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है। रास्तों के काफी चौड़ा होने के बाद भी फुटपाथ दूर दूर तक नजर नहीं आता है। नजर आते हैं तो सिर्फ फुटपाथ पर लगी हुई रेहड़ी दुकानदारों के फड़ व दुकानदारों द्वारा कई कई फुट तक बनाए गए चबूतरे, जिनके कारण राहगीरों का बाजार में घुसना भी मुश्किल हो रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रास्ते पर मोटी रकम लेकर रेहड़ी व दुकानदारों को फड़ किराए पर दे रखे हैं। इसे देखकर लगता है कि फुटपाथ अब राहगीरों के लिए नहीं बल्कि इन दुकानदारों के लिए ही बनाया गया है। शहरों के मुख्य बाजारों व सड़कों के फुटपाथ पर दुकानदारों व रेहड़ी वालों ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है, जिससे राहगीरों को मजबूरन कभी जाम में तो कभी बाजार से ही दूर रहना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस बारे में वह स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासक तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन फुटपाथ से अतिक्रमण नहीं हटा पाया है। शहर के मुख्य रास्तों को देखने पर नहीं लगता कि यहाँ पर कोई फुटपाथ भी है। इन रास्तों पर जहाँ तक देखें रेहड़ी व कई फुट तक आगे निकली तख्ते ही दिखाई देती हैं। शहर के सभी रास्तों पर दोनों तरफ बने फुटपाथ पर अवैध कब्जे हो गए हैं। रेहड़ी व दुकानदारों ने कई कई फुट तक बाजार सजाकर सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। रास्तों के फुटपाथ पर पैदल चलने की कोई जगह ही नहीं बची है। अतिक्रमण के कारण फुटपाथ पर पैदल चलना भी दुर्भर हो रहा है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता गुलाब शर्मा की रिपोर्ट।